हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से हो गए। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज के वीडियो में बात करेंगे इन्वर्टर एसी और ड्यूल इन्वर्टर एसी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या हमें एक इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या फिर ड्यूल इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। क्योंकि अब जो गर्मियां पड़ रही हैं या जो अब मानसून का सीजन आ गया, ऐसे में एसी ही है जो हमें हुमस से बचा सकता है, ह्यूमिडिटी से बचा सकता है और कूलिंग प्रोवाइड कर सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो एसी खरीदने में लगे हुए हैं, या फिर कुछ लोग हैं प्राइम डे सेल का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उसमें भी कुछ बेनिफिट्स आपको जरूर मिलेंगे। तो ऐसे में सबसे पहले ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमें एक इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या फिर ड्यूल इन्वर्टर एसी। क्योंकि ऐसे में प्राइस की अगर मैं बात करूं तो प्राइस आपको पता है कि ड्यूल इन्वर्टर एसी का थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या हम ड्यूल इन्वर्टर एसी जब ले रहे हैं तो हमें पावर कंजम्पशन में कोई कमी मिलेगी, कूलिंग क्या परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी हमें, क्या उसका लाइफ स्पैन अच्छा होगा। ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैं आज इस वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल से बताने वाला हूं। और अगर आप ये वीडियो एक बार देख लोगे तो आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी और आप एक सही एसी का चुनाव करेंगे। तो चलिए जानते हैं इन एसीज के बारे में और इनके कंप्रेसर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन दबाकर सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, क्योंकि एमब्लॉक्स चैनल के ऊपर बहुत ही यूजफुल कंटेंट आते रहते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। अगर आप एसीज के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि पिछले बहुत सालों से अब एसीज के अंदर सिर्फ रोटरी कंप्रेसर दिया जा रहा है। रोटरी कंप्रेसर इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो पहले के जो पुराने टाइप के कंप्रेसर आया करते थे उनसे ज़्यादा पावर एफिशिएंट होते हैं और नॉइस भी कम करते हैं। इसके अंदर बेसिकली एक रोटर होता है, इसलिए इसको रोटरी कंप्रेसर बोला जाता है। ये जो कंप्रेसर होता है इसके अंदर जो रोटर होता है वो रोटर घूमता है और रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। कंप्रेसर का काम ही यही है कि रेफ्रिजरेंट को वो कंप्रेस करे। तो एक रोटर की मदद से रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया जाता है, लेकिन उस रोटर को घुमाने के लिए एक मोटर का यूज़ किया जाता है। जी हाँ, कंप्रेसर के अंदर एक मोटर होती है, जिस कंप्रेसर के अंदर एसी मोटर होती है यानी कि एसी करंट से चलने वाली मोटर होती है, उस कंप्रेसर को नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर बोला जाता है या फिर फिक्स स्पीड कंप्रेसर बोला जाता है। क्योंकि जो एसी करंट वाली मोटर होती है कंप्रेसर के अंदर, वो अपनी स्पीड्स को एडजस्ट नहीं कर सकती, वो एक फिक्स स्पीड के ऊपर ही काम करती है। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि रोटरी कंप्रेसर कई तरह के होते हैं, नॉन इन्वर्टर में भी आते हैं वो और इन्वर्टर में भी आते हैं। तो नॉन इन्वर्टर में जो होता है एसी मोटर का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं हम इन्वर्टर कंप्रेसर्स के बारे में, जो कि इन रोटरी कंप्रेसर ही होते हैं, बिल्कुल हूबहू एक जैसे लगेंगे। अगर मैं आमने सामने रख दूं आपके कंप्रेसर तो आप नहीं पहचान पाओगे कि कौन सा इन्वर्टर है और कौन सा नॉन इन्वर्टर है, लेकिन उनके अंदर जो मैकेनिज्म है वो अलग होता है। अब एक ऐसा कंप्रेसर जिसके अंदर रोटर तो लगा ही हुआ है, क्योंकि अब रोटरी कंप्रेसर है तो रोटर तो लगा हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो मोटर लगाई गई है वो एसी करंट वाली ना लगा करके बीएलडीसी मोटर लगा दी गई है। बीएलडीसी मोटर जिस भी कंप्रेसर में लगी होगी उसको इन्वर्टर कंप्रेसर बोला जाता है या फिर वेरिएबल स्पीड्स कंप्रेसर बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर बीएलडीसी मोटर लगाई गई है जिसकी वजह से उसकी स्पीड्स को एडजस्ट किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, ज्यादा भी किया जाता है। यानी कि कंप्रेशन जो है, गैस का जो कंप्रेशन हो रहा है उसका लेवल बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है, क्योंकि रोटर की जो घूमने की क्षमता है वो कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। तो यहां पर जिस कंप्रेसर के अंदर बीएलडीसी मोटर होती है उसको इन्वर्टर कंप्रेसर बोला जाता है। यह है फर्क नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर में। अब बात करते हैं आगे की, जो इस वीडियो का टॉपिक है, और वो है इन्वर्टर और ड्यूल इन्वर्टर में क्या फर्क है। और इस चीज को समझने के लिए अब हमें रोटर्स की बात करनी पड़ेगी। इन्वर्टर कंप्रेसर तो हमें समझ आ गया कि बीएलडीसी मोटर वाला जो कंप्रेसर है वो इन्वर्टर कंप्रेसर होता है। अब बात करते हैं रोटर्स की। तो जो नॉर्मल इन्वर्टर एसी होते हैं उसके अंदर एक ही रोटर होता है, यानी कि एक ही रोटर होता है जो घूमता है और गैस को कंप्रेस करता है, उसको कहते हैं इन्वर्टर कंप्रेसर। लेकिन एक ऐसा कंप्रेसर जिसके अंदर बीएलडीसी मोटर भी लगी हुई है और रोटर दो लगे हुए हैं, यानी कि दो रोटर लगे हैं और वो दोनों ही गैस को कंप्रेस करने का काम करते हैं, तो ऐसे कंप्रेसर को ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेसर बोला जाता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि हमने तो ट्रिपल इन्वर्टर के बारे में भी सुना है, तो क्या उसमें तीन रोटर होते हैं? जी नहीं, दरअसल रोटरी कंप्रेसर के अंदर जो मोटर लगाई जाती है वो अब बेशक एसी वाली हो या डीसी वाली हो, वो फोर पोल मोटर होती है, ज़्यादातर फोर पोल मोटर का ही यूज़ किया जाता है।
लेकिन कोई ऐसा कंप्रेसर जिसके अंदर 8 पोल मोटर का यूज किया गया हो उसको ट्रिपल इन्वर्टर कंप्रेसर बोला जाता है। और इस टाइप का कंप्रेसर पहली बार सैमसंग ने लॉन्च किया था या फिर अपने एसीज में दिया था। तो ट्रिपल इन्वर्टर जो टर्म है वो रोटर से मुतल्लिक नहीं है, वो मोटर से मुतल्लिक है, तो उसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इन्वर्टर और ड्यूल इन्वर्टर की। वीडियो में अब आगे बात करते हैं पावर कंजम्पशन के बारे में। क्या सिंगल रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर की पावर कंजम्पशन ज्यादा होती है या ड्यूल रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर की पावर कंजम्पशन ज्यादा होती है? तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस कंप्रेसर के अंदर सिंगल रोटर होगा उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सिंगल रोटरी कंप्रेसर है, उसके अंदर सिर्फ एक ही रोटर लगा हुआ है, तो उसके अंदर एक हाई पावर की मोटर लगाई जाती है जो उस रोटर को ज्यादा तेजी से घुमा सके ताकि रेफ्रिजरेंट का कंप्रेशन ठीक से हो सके। लेकिन वहीं पर अगर हम ड्यूल रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर की बात करें तो वहां पर दो रोटर्स लगाए जाते हैं, और दो रोटर होने की वजह से उसको ज्यादा तेज चलने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो दो रोटर हैं और वो जल्दी कंप्रेशन पैदा कर देते हैं, तो ऐसे में पावर भी फिर कम कंज्यूम होती है ड्यूल रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर में। इसको मैं एक आपको एग्जांपल से समझा देता हूं, मेरी आदत है मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं तो चीजें बहुत जल्दी समझ आ जाती हैं हमें। सपोज हमने एक रस्सी के अंदर नॉट मार दी, गांठ मार दी। अब एक बंदे को बोला है कि तू इस गांठ को एक हाथ से खोल, और एक बंदे को बोल दिया कि तू अपने दोनों हाथ यूज कर सकता है। तो अब आप खुद ही सोचिए कि जो बंदा अपने दोनों हाथ यूज कर रहा है वो जल्दी तो उस गांठ को खोल ही देगा, लेकिन उसके हाथ दुखेंगे भी नहीं, जबकि जो एक हाथ यूज कर रहा है उसको देर भी लगेगी और उसका हाथ भी दर्द होने लग जाएगा। और सेम यहां पर भी यही रूल अप्लाई होता है कि दो रोटर होने की वजह से मेहनत कम करनी पड़ती है मोटर को, जिसकी वजह से पावर की सेविंग होती है, और सिंगल रोटर होने की वजह से मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है जिसकी वजह से पावर कंजम्पशन ज्यादा होती है। तो यहां पर आप ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए कि ड्यूल रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर कम पावर कंज्यूम करते हैं एज कंपेयर टू सिंगल रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर्स। अब बात करते हैं कूलिंग की, कौन सा कंप्रेसर कूलिंग फास्ट करेगा, क्योंकि इन्वर्टर कंप्रेसर दोनों ही हैं, वेरिएबल स्पीड्स पे दोनों ही चल सकते हैं, तो ऐसे में कूलिंग कौन फास्ट करेगा? तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें सिंगल रोटरी की, तो उसके अंदर एक सिंगल रोटर लगा हुआ है। अब सिंगल रोटर जो लगा हुआ है, हालांकि उसके अंदर जो मोटर लगाई गई है वो उसके अकॉर्डिंग ही लगाई गई है ताकि उसको प्रॉपरली रेफ्रिजरेंट कंप्रेस कर सके वो, लेकिन उसमें होता क्या है कि वो एफिशिएंट कम होता है। ड्यूल रोटरी जो इन्वर्टर कंप्रेसर होते हैं वो जल्दी कूलिंग करते हैं, फास्ट कूलिंग करते हैं एज कंपेयर टू सिंगल रोटरी। अब इसका भी एक एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज हमारे पास कोई मिक्सर ग्राइंडर है, अब उसके अंदर एक जार है हमारे पास, उस जार के अंदर सिर्फ एक ब्लेड है। अब वो एक ब्लेड वाले जार में अगर हम कोई भी चीज ग्राइंड करेंगे तो आप सब जानते हो देर लगेगी, लेकिन एक ऐसा जार है हमारे पास जिसके अंदर दो ब्लेड है तो वो जल्दी उस चीज को ग्राइंड कर देगा और कम समय में कर देगा। और यही चीज होती है गैस के कंप्रेशन में भी, जब दो रोटर होते हैं तो वो जल्दी गैस को कंप्रेस करते हैं और इससे रूम के अंदर फास्ट कूलिंग होती है। तो अब यहां पर पावर कंजम्पशन के बारे में भी आपने समझ लिया और कूलिंग भी फास्ट होती है ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेसर्स के साथ। अब बात करते हैं नॉइस लेवल की या फिर वाइब्रेशंस की, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या रहती है कुछ लोगों की कि हमारा आउटडोर बहुत आवाज कर रहा है, कंप्रेसर बहुत आवाज कर रहा है। तो यहां पर एक बात आप समझ के चलिए कि जो सिंगल रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर्स होते हैं वो ज्यादा आवाज करते हैं, और जो ड्यूल रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर्स होते हैं वो कम आवाज करते हैं, नॉइस कम करते हैं, और उनमें वाइब्रेशन भी कम होती है, क्योंकि ड्यूल रोटरी जो कंप्रेसर होते हैं उनके अंदर दो रोटर होते हैं और वो 180 डिग्री पे चलते हैं, यानी कि एक लेफ्ट में जाएगा तो एक राइट में जाएगा, तो उससे एक स्टेबल वर्किंग मिलती है कंप्रेसर को और वाइब्रेशन भी नहीं होती है, नॉइस भी कम होती है और वाइब्रेशन भी कम होती है। लेकिन सिंगल रोटरी में क्या होता है कि एक ही रोटर होता है और मोटर जो है वो हैवी लगाई गई है और उसको हाई स्पीड पे चलना पड़ता है, तो इस वजह से उसमें वाइब्रेशन भी होती है और नॉइस भी ज्यादा आती है। अब हम बात करते हैं लाइफ स्पैन की, क्योंकि ड्यूल रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर जो है या फिर ड्यूल रोटरी एसी जो है वो महंगा आता है, सिंगल रोटरी कंप्रेसर वाला एसी थोड़ा सा सस्ता आता है, तो ऐसे में लाइफ स्पैन में क्या फर्क है? तो यहां पर आपको मैं क्लियर कर दूं, बेशक आप सिंगल रोटरी ले लो, ड्यूल रोटरी ले लो, या फिर नॉन इन्वर्टर ले लो बेशक एसी, या फिर ट्रिपल इन्वर्टर ले लो, इन सब की जो लाइफ होती है वो 15 से 20 साल की होती है, कंप्रेसर की बात कर रहा हूं मैं यहां पर।
कंप्रेसर की जो लाइफ होती है वो 15 से 20 साल की होती है इन सब की, आप कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन पावर कंजम्पशन, नॉइस लेवल्स, फास्ट कूलिंग, इन सबको अगर आप कंसीडर करेंगे तो फिर आपको एक ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेसर वाला एसी ही समझ आएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ड्यूल इन्वर्टर वाला तो ले लेंगे एसी, लेकिन फिर बोलेंगे कि बिजली की बचत तो हमारी हो नहीं रही है। एनर्जी सेविंग के लिए सिर्फ ड्यूल इन्वर्टर रोटरी कंप्रेसर वाला एसी लेना ही बहुत नहीं होता है, एनर्जी सेविंग के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपका रूम की कंडीशंस, आपके एसी का चुनाव यानी कि आपने अपने कमरे के लिए सही टनें चुनी है या नहीं, ये सारी चीज़ें मतलब मैटर करती हैं कि आपका एसी एनर्जी सेविंग करेगा या नहीं करेगा। और इन्वर्टर एसी अगर आपके पास है तो आपको उसे मिनिमम 8 घंटे तो चलाना ही है, तभी आपको पता लगेगा कि हाँ ये कुछ पावर सेविंग कर रहा है। अगर आप थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद उसको बंद करते रहेंगे फिर चलाते रहेंगे, फिर आपकी पावर सेविंग नहीं होने वाली है और आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा बिजली खा रहा है। तो ऐसे में पावर सेविंग के ऊपर तो मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा था कि इन्वर्टर और ड्यूल इन्वर्टर में क्या फ़र्क होता है और क्यों। होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता यूट्यूब के ऊपर। मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।